Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आकांक्षा फिर एक नए वीडियो के साथ आई हूँ और इस बार का जो वीडियो हो रहा है वो मीशो हॉल हो रहा है। जैसे कि मैंने मीशो की ना सिल्क साड़ी कुछ कलेक्ट की हुई है जो आपके लिए लेके आई हूँ। और मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका काफ़ी टाइम पहले उनका मैसेज आया था कि उनको कुछ साड़ी चाहिए थी, तो वो भी मैं साड़ी ले कर आ गई हूँ क्योंकि ये ऑर्डर थोड़ा सा मुझे लेट मिला। चलिए पूरी बात करूँगी और सब्सक्राइबर के बारे में भी बता दूँगी कि कौन सी सब्सक्राइबर हैं। तो पूरे वीडियो में रहिएगा, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, बहुत सारे लोगों के साथ भी शेयर करिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। कोई ना कोई वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आपको स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, उसको भी जाइए फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जब आप उसको फॉलो करोगे ना तो क्या होता है, जो भी मैं गेटअप लेती हूँ या फिर आपके इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, कई आपको प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप उसमें कमेंट मत करिए, क्योंकि कमेंट करेंगे तो मैं प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पाऊँगी। आप मुझे उसमें पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सारे मैसेजेस के आंसर करूंगी। जो भी प्रोडक्ट पसंद आ रहा है आपको वो मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरी एक फ़र्स्ट साड़ी मैं आपको बता देती हूँ, ये सिल्क की साड़ी है, बहुत प्यारी साड़ी है, मतलब साड़ी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। पूरी साड़ी मैं ओपन करके दिखा देती हूँ आपको, तो थोड़ा सा समझ में आएगा, क्लियर होगा। इसमें ना इसमें जो सिल्वर का टच दिया है, यानी ब्लू के साथ ना एक सिल्वर का टच दिया है। जब स्टार्टिंग इसके आँचल से मैं दिखा देती हूँ, ये आप देख रहे होगे, ये स्टार्टिंग इसके आँचल से है, एक बॉर्डर इस साइड दिया हुआ है और पूरे सिल्वर के टच में ना आसमानी सा कलर, बहुत प्यारा लगता है। और ये हमको पूरी साड़ी मिलती है, शावी कुछ करना नहीं, ये पूरी हमको साड़ी मिलती है, जो एक बॉर्डर मिलता है ये ऊपर साइड हमको एक ये पतला सा बॉर्डर मिल रहा है। अब इस तरीके से ना इसमें मोर फ्लावर सब बने हुए हैं, पूरी साड़ी बना उसी तरीके से बॉर्डर हमको नीचे साइड मिल रहा है। साड़ी हमको सेम मिल रही है, मैं इसको वेयर करके बताती जा रही हूँ, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इसका लुक कैसा आने वाला है। इस टाइप के साड़ी मेरे पास एक और थी, मेरे चैनल पर डली हुई है, इसी कॉम्बिनेशन मतलब इसमें ही थी, इस टाइप के कलर की, उसके साथ येलो टच था, लेकिन इसके साथ जो मुझे टच मिला है ना, ये प्लेन पोर्च आ रहा है। पहले तो ये देख लो आप, ये प्लेन वाला पोर्च आ रहा है, ये आपके इन करने में जाता है, फिर हमको इसके साथ जो टच मिल रहा है वो रानी कलर का मिल रहा है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट। इसका ब्लाउज ज़रूर स्टिच कराना और रानी कलर के कोई लुक लोगे ना आप, मतलब जैसे रानी चूड़ी पहन लेते हो, बिंदी रानी कलर की लगा लेते हो, जैसे बहुत लोगों की आदत होती है कि सिर्फ मैरून या रेड कलर की बिंदी लगाने की, वो भी कोशिश करें कि इसमें रानी कलर की बिंदी लगाएंगे तो बहुत प्यारे लगेंगे। और हाँ, मुझे बहुत लोगों के कमेंट आते कि आपकी बिंदी ऊपर है, आप नीचे लगाओगे तो और अच्छे लगोगे। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नीचे लगाऊँ, कई बार मैं नीचे भी लगाती हूँ, लेकिन ना मुझे आदत सी ऐसी हो गई है ना, स्टार्टिंग से लगाया तो ऐसा लगता है कि अजीब सा लग रहा है, पर मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के कहने पे कि एक बार बिंदी अपनी नीचे लगाऊँ। आज तो मैंने बिंदी ही नहीं लगाया है, बट मैं नीचे लगाऊँगी आप लोगों के कहने पर, तो वो भी ना रानी कलर की बिंदी लगाएं और रानी कलर की ज्वेलरी के साथ कुछ इसको वेयर करोगे, बहुत प्यारे लगोगे। ये इसका ब्लाउज़ प्लेन वाला पोर्च में है, पूरा प्लेन है, और ये यहाँ पर हमको बॉर्डर मिल रहा है। ये जो बॉर्डर मिल रहा है ना, इसको कहीं पे भी स्टिच करा सकते हो, स्लीव में लगवा सकते हो, डिज़ाइन बनवा सकते हो। इसमें पीछे का अगर वी नेक करवाते हो और वी नेक में ऐसे तिरछा बॉर्डर दे दोगे, सिर्फ वन साइड, दोनों साइड नहीं, एक वन साइड नीचे तक तिरछा बॉर्डर दे दोगे, और फिर इसमें ना आप बैक ओपन ना करा के फ्रंट ओपन करा लो, बहुत अच्छे लगोगे। वी नेक इसमें बहुत प्यारा लगेगा, फिर अगर आपका फैब्रिक बसता है तो स्लीव में भी लगवा सकते हो, बट एक डिफरेंट डिज़ाइन हो जाएगी, बॉर्डर को अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो तो वो अच्छा लगेगा। तो इसके भी ना कोड और सारी चीज़ें मैं आपको मेंशन करती जा रही हूँ ना, आप देख लीजिएगा, परचेस कर लीजिएगा। इस टाइम के जितने भी शूट हो रहे हैं ना, इस समय मैं अकेली हूँ शावी के साथ, तो सारी चीज़ों में शावी भी मेरी आ रही है और वो भी बहुत डिस्टर्ब कर रही है, सारे उसको कागज़ मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाते हैं, तो वो खाती रहती है। अब चलते हैं अपने अगले पीस की तरफ। अगला पीस मेरा ये है, इसका स्क्रीनशॉट पहले मेंशन कर रही हूँ, जो सब्सक्राइबर मेरी हैं उनको पता चल जाएगा। तो अभी तो मैं पहले ना एक बार नाम उनका बता देती हूँ। मेरे ना इंस्टाग्राम पे उन्होंने मैसेज किया था, मैंने बहुत सर्च किया बट नाम से उनका शो नहीं हुआ, तो मैं उन्होंने कोई आईडी ऐसी डाली है, वो मैं आईडी बता देती हूँ। तो आप ना जब मुझे मैसेज करना, आप मेरे सब्सक्राइबर हुए हो, आप मुझे जब मैसेज करना ना तो अपना नाम लिख के मैसेज करना, तो मुझे पता चल जाएगा। इनकी आईडी जो है HM04_
16 ये इनकी आईडी है। इन्होंने मुझे ये मैसेज किया हुआ था कि मुझे ये साड़ी चाहिए, तो मैंने उसी टाइम ऑर्डर किया था, पर बहुत लेट आया है। इस टाइप की साड़ी मेरे पास एक है, बट वो थोड़ी सी कॉस्टली थी, मतलब बहुत कॉस्ट की थी, और उसको ना क्या बोलते हैं, वो कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन उसका जो फैब्रिक वो अलग था। ये थोड़ा सा सिल्क टच में है, बट ये भी साड़ी कॉस्ट वाइज बहुत अच्छी है। जो भी हैं आपको पता चल जाएगा, अगर आपको परचेस करना हो ना, आप मैरिड वगैरह हो तो आप आराम से परचेस कर सकते हो। मुझे ये भी नहीं पता है कि वो मेरी सब्सक्राइबर मैरिड है कि अनमैरिड है, बट अगर आप मैरिड हो तो आपको पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है और पसीना बहुत निकल रहा है। ये ना आप साड़ी देखोगे तो ये आंचल साइड से मैं दिखा रही हूँ, इसमें सिल्वर का टच मिलेगा, ऑरेंज कलर की साड़ी है। ये देखने में साड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी है, मतलब कम रेंज में बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। ये आंचल साइड से मैं दिखा रही हूँ। अब ये जब पूरी साड़ी की तरफ चलेंगे तो आप एक देखोगे छोटे से फ्लावर से बड़े से फ्लावर आपको मिलेंगे। हम अगर बॉर्डर की बात कर लें तो बॉर्डर आप देख रहे हो इस तरीके से बॉर्डर दिया हुआ है। इस साइड सेम बॉर्डर है, वही बॉर्डर आपको नीचे साइड मिलेगा, मतलब दोनों साइड सेम बॉर्डर है। मैं इस आपने मुझे मैसेज किया है कि आपको ये साड़ी चाहिए, तो मैंने इस वजह से इसको ऑर्डर भी किया था, बट मुझे साड़ी अच्छी रिसीव हुई। आपको इस टाइप की पूरे में बूटे मिलते हैं, साड़ी मिलती है, अच्छी साड़ी है, आराम से परचेस करो। मतलब आप तो परचेस कर ही सकते हो जो जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, बट और भी जो मेरे सब्सक्राइबर है जो वीडियो देख रहे हैं ना, वो भी इसको परचेस कर सकते हैं। इसके पीछे साइड बैक साइड देखोगे ये जैसे सिल्वर टाइप का दिख रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है कि साड़ी ना दोनों तरफ से पहनी जा सकती है, मतलब इस टाइप की साड़ी पीछे भी। मतलब अगर इसकी ना उसकी बात करें फिनिशिंग की, तो फिनिशिंग बहुत अच्छी है, फिनिशिंग बहुत प्यारी दी है। ये देखो बैक साइड आपको दिख रहा है, तो बैक साइड भी इस तरीके से डिज़ाइन बनी है ना कि आप इसको बैक साइड पहन लो तो पता नहीं चलेगा कि आपने बैक साइड पहना है। तो साड़ी की क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है ये। अब इसके हम लास्ट में आते हैं ना, तो ये थोड़ा सा पोर्च जो आपको मिल रहा है ये प्लेन वाला मिल रहा है, मतलब ये प्लेन पोर्च मिल रहा है जो इन करने में हमको जाता है, अंदर साइड जाता है। मैं जब इन करके दिखा रही हूँ तो थोड़ा सा प्लेन पोर्च दिख रहा होगा, क्योंकि क्या होता है ये इसमें ना ब्लाउज अटैच है। ये देख रहे हो आप, ऐसा एक बॉर्डर दिया हुआ है यहाँ पे, ये इतना आपको ब्लाउज अटैच मिलेगा, आप इसको अटैच मिलेगा, फिर आप थोड़ा सा फैब्रिक है जो अंदर आपके इन करने में जाता है, तो इसका ब्लाउज इसमें अटैच है। तो मैं भी जब पहन के बता रही हूँ तो उस टाइप का आ रहा होगा, प्लेन पोश बाहर आ रहा होगा, बट ये साड़ी बहुत अच्छी है, आप आराम से ले सकते हो। इसका कोड वगैरह मैं मेंशन कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट भी मेंशन कर रही हूँ, सारी चीज़ें मेंशन कर रही हूँ, आप एक बार जाके चेकआउट करना। इसमें कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं थे, सिंगल था ये ऑरेंज कलर, ये ना मैरून टच में ऑरेंज इस टाइप का कुछ है, तो ये एक बार आप चेकआउट कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। आराम से ऑर्डर कर लो, इतने सारे फेस्टिवल है, किसी ना किसी में आपको यूज़ हो जाएगा। और जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना मेरे सब्सक्राइबर, मतलब कि देख रहे हैं जो सब्सक्राइबर हैं वो तो ठीक है, बट जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना आप लोग भी, क्योंकि कोई ना कोई वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब अपनी अगली साड़ी की तरफ चले, तो अगली साड़ी भी मेरी ऐसी सिल्क में है, ये कॉटन सिल्क मिक्स है। साड़ी को ओपन करके मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। साड़ी की स्टार्टिंग भी करते हैं तो इसके आंचल से करते हैं। आंचल में देखोगे तो आप दूर दूर पे ऐसी बूटियाँ बनी हैं और एक बीच में बड़ा सा बूटा बना हुआ है, फिर दोनों साइड ना बॉर्डर से फिनिश किया गया। और इसके बॉर्डर की बात करें तो इसका बॉर्डर ये दिया हुआ है, सेम बॉर्डर दिया है, और यही बॉर्डर आपको पूरी साड़ी में मिलता है। जो बॉर्डर मैं आपको दिखा रही हूँ यही बॉर्डर पूरी साड़ी में बनता है, और फिर बॉक्स बॉक्स से आपको मिल रहा है, और बीच में ऐसे चुनरी प्रिंट टाइप का मिल रहा है जो बूटियाँ बूटियाँ से बनी हुई हैं। गाजरी कलर की साड़ी है, इसको किसी मैरून कलर के साथ आप वेयर करोगे तो अच्छे लगोगे। बाकी इसमें जो ये जो सेम कलर है ना, ऐसा भी कलर आप पहन सकते हो। ये कलर की ब्लाउज क्या होता है, सबके पास होता है, मैरून कलर भी रेड कलर भी सबके पास होता है, वो भी आप एक पहन सकते हो ऑप्शन में, वो भी है, बट ये दोनों ब्लाउज आप इस पर वेयर कर सकते हो। तो ये पूरी साड़ी ऐसी मिलेगी, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, रेंज वाइज भी ये बहुत अच्छा था, मतलब रेंज में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो ये रेंज वाइज भी बहुत अच्छा है। अब इसके ब्लाउज की तरफ चले, तो इसका ब्लाउज इसमें अटैच है लास्ट में, ये आप देखोगे तो ये ब्लाउज अटैच है, ये छोटी छोटी सी बूटियाँ बनी हुई हैं और ये इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन अलग है, तो इसका ब्लाउज स्टिच करा लेना। अभी मैं तो दूसरे ब्लाउज पे वेयर करके बता रही हूँ, बट इसका ना आप ब्लाउज अटैच जरूर कराइएगा, क्योंकि इसका ब्लाउज अगर आप मतलब सिलवाते हो ना पहन, मतलब इसको सिलवाते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा प्यारा सा लगेगा, और थोड़ा सा साड़ी का जो लुक है ना वो रिच लुक आ जाएगा, बहुत अच्छा लुक आ जाएगा, तो इसको स्टिच करा लेना, प्यारा लगेगा। आज जो मैंने पहना है ये मेरा मीशो का है, ये भी मेरा मीशो का है, मेरी ड्रेस भी मीशो की, तो सब कुछ मैंने मीशो का ही पहना हुआ है। तो अगर इसके भी कोड वगैरह चाहिए हो तो आप मुझे बता देना, मिल जाएगा।
अब मेरी अगली जो साड़ी है वो इस तरीके की है। ये कलर की साड़ी मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी मुझे मिले, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कोई भी कलर का ब्लाउज़ अच्छा लगेगा, ख़ास तौर से रेड और मैरून बहुत प्यारा लगेगा। अब इसके स्टार्टिंग इसके आँचल से करते हैं। आँचल साइड देख रहे हो आप, इस टाइप से दिया हुआ है, बिल्कुल शाइनिंग में, गोल्ड कलर का शाइनिंग में आपको मिलेगा। बॉर्डर की हम बात करें तो बॉर्डर ऐसा आपको सिंपल सा बॉर्डर मिलता है, फिर पूरी साड़ी हमको ऐसी ही प्रिंटेड मिलती है ना, पत्तियाँ बनी हैं, तीन पत्तियाँ ऐसी बनी हुई हैं, पूरी प्रिंटेड मिलती है। नीचे की बॉर्डर की अगर हम बात करें तो नीचे आप देख रहे हो तो नीचे थोड़ा सा चौड़ा सा बॉर्डर दिया हुआ है। वेयर करके बताती जा रही हूँ तो थोड़ा सा चीज़ें समझ में आएंगी। और ऊपर साइड जो है ना, हमको थोड़ा सा पतला बॉर्डर मिलता है, नीचे चौड़ा बॉर्डर है, ऊपर पतला बॉर्डर है। बहुत प्यारी सी साड़ी है, लुक वाइज अच्छी है, रेंज में तो बिल्कुल मस्त है साड़ी, मतलब कि रेंज की अगर हम अकॉर्डिंग बात करें तो साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। अब ये वाला प्लेन पोर्स ऐसा वाइट सा आपको मिल रहा है जो इन करने में जाता है, फिर एक हमको प्लेन पोर्स मिल रहा है जो ब्लाउज़ के लिए मिल रहा है, और ये इसमें हमको ऐसे बॉर्डर मिल रही है। तो सेम इसका ब्लाउज़ इस पर अच्छा नहीं लगेगा, तो आप इसका एक काम और कर सकते हो कि इसका ब्लाउज़ पीस तो निकलवा लेना, नहीं तो प्लेन वाला बहुत आएगा, स्टिच कराना करा भी सकते हैं, नहीं तो इसके साथ रेड या फिर मैरून कलर का कोई ब्लाउज़, अगर वेलवेट का ब्लाउज़ आप वेयर करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत प्यारी सी साड़ी लगेगी। इसमें मैंने सोचा है कुछ कि ऐसा मैं लुक लूँगी, डालना है तो वो मैं लुक लूँगी और डाल लूँगी, मतलब अपने चैनल पर डालूँगी मैं, बहुत जल्दी डालने वाली हूँ। तो चलिए, ये सारी साड़ियाँ आपसे बता चुकी हूँ, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अब वीडियो को स्टॉप करना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को बहुत सारा शेयर भी करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, हर जगह शेयर करें, बहुत सारा प्यार दीजिए जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। बहुत जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, बहुत प्यारे से वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का भी ख्याल रखें। बाय बाय। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away, yeah.